छात्र और शिक्षक का रिश्ता बेहद गरिमामय माना जाता है, मगर कुछ लोग इसकी मर्यादा तार तार करने से बाज नहीं आते हैं। ऐसा ही एक मामला अमेरिका के मिसौरी से सामने आया है, जहां एक शिक्षिका पर ऐसी ही हरकत करने का आरोप लगा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आइए जानते हैं। मिसौरी में 26 वर्षीय हाई स्कूल की महिला टीचर बेली टर्नर को एक स्टूडेंट के साथ सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप का सामना करना पड़ रहा था। कथित तौर पर बेली टर्नर ने पुलिस के सामने स्वीकार किया था कि उसने जनवरी 2019 में अपने घर पर स्टूडेंट के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए थे। ये मामला सामने आने के बाद बेली टर्नर को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर केस चलाया गया। फरवरी 2019 में गिरफ्तारी के बाद बेली ने सरकोक्षी हाई स्कूल से इस्तीफा दे दिया। उसे अपना टीचिंग लाइसेंस भी सरेंडर करना पड़ा। अब उसी स्टूडेंट के साथ शादी करने के बाद महिला टीचर पर चल रहे यौन उत्पीड़न केस को वापस ले लिया गया। बेली टर्नर के खिलाफ चल रहे सेक्सुअल असॉल्ट के केस को अभियोजकों ने खारिज कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार बेली द्वारा पीड़ित स्टूडेंट से हाल ही में शादी करने के बाद अभियोजकों ने उस पर सेक्सुअल असॉल्ट के केस को वापस लिया है। द जॉपलिन ग्लोब की रिपोर्ट के मुताबिक मामले में स्टूडेंट के साथ टीचर की शादी के परिणाम स्वरूप पति पत्नी के विशेष अधिकार को ध्यान में रखते हुए अभियोजकों ने बेली टर्नर के खिलाफ लगे आरोप खारिज कर दिए। मामले में एक सहायक अभियोजक के अनुसार अभियोजकों को टर्नर पर केस चलाने में कठिनाई होती। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों टीचर स्टूडेंट कब शादी के बंधन में बंधे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोर्ट के दस्तावेजों में भी स्टूडेंट की उम्र नहीं बताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।